महाराष्ट्र में सियासी उठापटक और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे गृहनगर ठाणे पहुंचे। सोमवार रात ठाणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उन्हें राज्य के विकास के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो जोखिम उठाया उससे लोगों ने सराहा है। मैं पूरे राज्य का दौरा करने जा रहा हूं और हर निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं का आवंटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं अतिशोक्ति नहीं करता, काम करने के बाद बोलता हूं। आगे कहा कि राज्य में बदलाव होकर रहेगा। उन्होंने कहा, अगर मैं कोई वादा करता हूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता जब तक कि वो पूरा न हो जाए। शिंदे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र की ओर से महाराष्ट्र को पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। वहीं शिवसेना से बगावत के सवाल पर शिंदे ने कहा, हमने विद्रोह नहीं किया था बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। बाला साहेब ठाकरे ने हमें अन्याय के खिलाफ उठने के लिए कहा था, ये उनकी शिक्षा थी। शिंदे ने कहा कि उनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, उनमें एक शिव सैनिक हमेशा बना रहेगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हम 15 दिनों के लिए बाहर थे, जितना आप मुझसे मिलना चाहते थे मैं भी शिव सैनिकों से मिलना चाहता था। उन्होंने कहा, मैं आप सब में से ही एक हूँ, मेरा कद जितना बड़ा हो जाए हमेशा एक शिव सैनिक मुझ में रहेगा। उन्होंने कहा, हमें अपने मिशन को सफल बनाना है और हिंदुत्व का सम्मान करना है, जिसका अर्थ है हर धर्म का सम्मान करना। वहीं डिप्टी सीएम बनने के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, नागपुर के लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया और 5 बार चुना। आज मैं डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ की जनता के प्रति प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि इन सब के बीच शिंदे अभी भी उद्धव गुट के खिलाफ खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के नए मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने कहा है कि हमने आदित्य ठाकरे को छोड़कर व्हिप की अवहेलना करने वाले सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस दिया है। हमने बाला साहब ठाकरे के प्रति सम्मान के कारण आदित्य ठाकरे का नाम नहीं दिया है। शिंदे गुट ने दावा किया है कि पार्टी के 2/3 से अधिक विधायकों के समर्थन के आधार पर असली शिवसेना है। वोटिंग के दौरान भी ठाकरे खेमे का एक विधायक बागियों में शामिल हो गया था, जिससे उनकी संख्या 40 हो गई है। शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे गुट ने बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर भी दावा किया है। तर्क दिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ अपने गठबंधन से शिवसेना को कमजोर किया है। बता दें कि मौजूदा 287 सदस्यीय विधानसभा में 164 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान किया, जो 144 के साधारण बहुमत से काफी ऊपर था। 99 विधायकों ने शिंदे गुट के खिलाफ मतदान किया। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल मिलाकर 263 विधायकों ने वोट डाला था, 3 विधायक अनुपस्थित रहे। मतदान के दौरान ज्यादातर कांग्रेस और एनसीपी के 20 विधायक अनुपस्थित रहे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे की नजर पार्टी पर कब्जा जमाने की भी है। बता दें कि शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से महाराष्ट्र की सियासत बदल गई है और अब वो सीएम की कुर्सी पर बैठने में कामयाब रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।